जैसे कि आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी ने आकांक्षा दुबे के घर जाने का फैसला कर लिए और घर चले गए। क्या है खबरें में सच्चाई और झुटाई आप लोगों को बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोलू पांडे, आप सभी को मेरे जीबी ऑफिशियल चैनल पर बहुत तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आकांक्षा दुबे के मामले में इतना मीडिया में पॉपुलर हुआ और सोशल मीडिया पर इतना चर्चित हुआ न्यूज कि आप लोगों को मैं बता दूं कि समर सिंह पर और संदीप सिंह पर इतना भारी बयान लगा और उन लोगों को इंजाम बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है। कोई तो बोल रहा है फांसी दो, कोई बोल रहा है ये करो, कोई बोल रहा है एनकाउंटर हो गया। अरे भाई साहब, क्यों अफवाह के खबर फैला रहे हैं? लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनके घर पर जाते हैं, जाकर उनके माता जी से बोलते हैं क्या बात करते हैं वो लोग, वो वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, और वीडियो छोड़ के जाएंगे तो आपको कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे तमाम न्यूज चैनल पर आप लोग देखे होंगे, लेकिन उससे देखने से कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। आधे तो खबर अफवाह चलती है, लेकिन देखिए ये वीडियो में सामने सामने आपको दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी आकांक्षा दुबे के घर गए। क्यों गए घर? आखिर प्रधानमंत्री को आकांक्षा दुबे के घर जाने की क्या जरूरत पड़ी? तो उनका माता जी का यही आरोप है कि हमारा काम नहीं हुआ, हमारे बेटे को इंसाफ नहीं मिला, तो चलकर नरेंद्र मोदी जी उनके घर पर आए और क्या बात किए, तलाशा दिए कि आपको बेटी के हत्यारे को जो भी है वो सजा जरूर मिलेगी, ये मैं कह रहा हूँ और मेरा ये देश का नागरिक ही बोल रहा है कि जो गलत किया उनको साथ सजा जरूर मिलना चाहिए। ये तो बात मैं ही कह रहा हूँ दोस्तों कि जो गलत करे उसको सजा जरूर से जरूर मिले, ताकि कोई ऐसा कुकर्म काम ना करे। बाकी दोस्तों ये वीडियो को मैं पुष्टि नहीं करता हूँ कि सही है या गलत है, मैं भी तमाम न्यूज वाले चैनल पर से लेकर वीडियो ये बना रहा हूँ आपके लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।